साथियों नमस्कार। देखिए भाइयों, आज हम पहुंचे हैं नया गांव फैजाबाद में, और हमें एक किसान साथी मिले जो बहुत ही मेहनती किसान हैं और गन्ने की फसल में सहभागी में फसल ले रहे हैं। तो पहले तो मैं भाइयों इनसे थोड़ा सा इनका परिचय लूँगा। हाँ जी भैया, हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी। और सुनाओ जी। वाह बढ़िया। क्या थोड़ा सा अपना परिचय दो जी एक बार। मेरा नाम है मनोज कुमार सैनी जी। अच्छा अच्छा मनोज कुमार, नया गाँव फैजाबाद। अच्छा। तो जी एक बार थोड़ा सा अंदर को चलो इसमें खेत में। देखिए भाइयों, अब इसमें जो है इन्होंने राई की बुआई कर रखी है। राई, ये तो तेल, राई का तो तेल भी निकल जाए सरसों की तरह की तो। हाँ जी, अच्छा, बिजार नहीं बढ़ता जी, कहते हैं कि नुकसान नहीं करते हैं। राई में नहीं बढ़ने का। नहीं जी, फागन अच्छा, तो ये भैया कब की बुआई है आपकी? की बुआई है जी। मार्च की मतलब। हाँ जी, अच्छा, तो ट्रेंच में मतलब डबल लाइन है या सिंगल? डबल है जी। डबल लाइन वाला। हाँ जी, तो इसकी बंधाई क्यों करवानी पड़ी जी? बंधाई लो करवानी पड़ी जी। हमने सब बो रखे थे जी खीरे, अच्छा जी और खीरों के साथ जुताई नहीं हो करवाई हमने जी, जी जी नलाई करवाई पूरे खेत की। अच्छा। हाँ जी, खीरे भी बढ़िया हुए, बढ़िया बाहर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें भैया एक आँख का बोया था या डबल आँख का, कैसा का पेंडा ही बोया? बोया था जी। पेंडा ही बोया था सही, हाँ जी, डबल लाइन ट्रेंच में। हाँ जी। तो थोड़ी सी इसमें भैया अपनी लागत के बारे में और बताओ। लागत के बारे में जी, इसमें खीरों में तो हमने यूरिया कम, बहुत कम लगाया जी। जी, एक कट्टा एनपी का है इसमें जी। अच्छा। हाँ जी, और दवाई है जो खीरों में दवाई हुई वही दवाई है जी। तो ये कितने बीघे का लगभग नंबर है जी आपका? 3 बीघे का है जी। तो इसमें खीरे कितने हो गए, मतलब एक बीघे का हिसाब खीरे का कितना है? खीरे का तो ये बहुत बढ़िया भाव रहा जी। अब हम क्या था, हाँ जी, 20-20 हज़ार रुपये बीघा का तो निकलेगा जी। 20,000 रुपये के बीघा का। हाँ जी, और गन्ना कितना कुंटल बीघा निकल जाएगा अब? देखो जी गन्ना जी आप। तो देखिए भाइयों, आज जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 20,000 रुपये के गन्ने नहीं निकलते किसान के पास में। और हमारे भैया जी की मेहनत देखिए, इन्होंने इसमें खीरा बोया था ट्रेंच का, बो के सहभागी लेने में इन्होंने कितना बढ़िया लाभ इससे लिया। 20,000 का तो गन्ना काट लोगे इसमें, हाँ जी, तो लगभग 40,000 रुपये का पड़ेगा बीघा आपके। हाँ जी, और राई जो लगा रखी है इसका क्या करोगे जी? इसे चारे में खुआएंगे। अच्छा, चारे में खुआएंगे। हाँ जी, तो अगर इस पर मट्टी चढ़ जाती तो खीरा जब नहीं होता फिर? हो जाता है, उसमें खुडों में पानी भर जाता ना जी। हाँ, फिर पानी भर जाता। तो बेड पे खुडों, लगाया आपने खीरा? हाँ जी, अच्छा, तो पानी भर जाता, खीरा जो नहीं रहते हुए गल जाते हाँ। पानी तो आ बंधाई तो अपने आप करी होगी, बंधाई का तो खर्च बच ही गया। नहीं जी, और करवाई जी। 100 रुपये करवाई। हाँ जी, तो भाइयों गन्ना देखिए आप, देखो बंधाई में तो थोड़ा सा ट्रेंच में गन्ना बारीक भी पड़ जाता है और मुड़े भी बन जाते हैं, बाकी ट्रेंच का मतलब तो खुले गन्ने से है। हाँ जी, लेकिन एक भैया जी का प्रयास बहुत अच्छा रहा, सहभागी में इन्होंने खीरे की फसल जो ली है तो उससे इन्हें बहुत बढ़िया लाभ मिला। तो 20,000 रुपये का तो जी बहुत बढ़िया फायदा रहा जी। हाँ जी, तो खीरे की बेल के लिए मतलब कैसे चढ़ाई उन पर? नहीं जी, पटीडी पे फलाई नीचे, पट्टी पे नीचे फैली फैली में ही। हाँ जी, भाई वाह। तो जैसा आपने गन्ना बो देता तो उससे कितने दिन बाद खीरा बोया फिर? गैल चिबल देता। गैल ही लगा देता। हाँ जी, और जो उसमें नीचे बेल चलती रही उसी पे से खीरा तोड़ के बेच दिया। हाँ जी, तो भाई वाह, भाव भाव ठीक था इसका मतलब क्या? भाव बढ़िया था जी। अच्छा, इतना कहाँ लेकर आया खीरा? हाँ, अभी तो दवाई दवाई का खर्चा बहुत है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के दवाई अगर सारी लागत काटे है तो कितने रुपए बीघा का आप बचा लोगे साल भर में? महंगाई बहुत है अब। हाँ तो कम, आपका तो कम ही बचेगा क्योंकि यही खेत बढ़िया हो गया और तो बेकार हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भाइयों, मैं आपको गन्ना दिखा दूँ थोड़ा सा, सारा खेत बढ़िया है। और जो हमारे युवा साथी है भाइयों, जिनके पास में अपनी खेती कम है, 10 या 15 बीघे तक भी है, तो ट्रेंच का गन्ना लगा के आप लाभ ले सकते हैं। भैया जी ने खीरे के बारे में जानकारी दी, तो अब की बार तो जी और बढ़ाओगे खीरा फिर? हाँ जी, खीरा बढ़ाओगे। हाँ जी, हाँ जी। और पूरा बढ़िया इनका खेत ये लगा खड़ा है, तो मट्टी नहीं चढ़ पाई इस वजह से इन्होंने दो दो तीन तीन बार बंधाई करा रखी है। और 0238 का ये प्लॉट है। तो भाइयों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे भैया जी की मेहनत आपको कैसी लगी। नमस्कार।